बीएस नेगी महिला प्रावधिक संस्था को बंद किए जाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ओएमजीसी के निदेशक से 10 सप्ताह के भीतर विवादित लोगों को छोड़कर दोनों पक्षों के साथ विचार विमर्श कर सुनिश्चित करें कि संस्थान बंद न होने पाए। आपको बता दें कि पूनम ध्यानी और अन्य से याचिका दायर कर कहा गया था कि यूपीटीआरबी द्वारा आयोजित तकनीकी परीक्षा फैशन डिजाइनिंग उत्तीर्ण की और संस्थान में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के विवाद के चलते नए प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है जो कि विधिवत नहीं है। ओएमजीसी महिला पॉलिटेक्निक जिसे बीएस नेगी महिला प्राविधिक शिक्षण संस्थान के नाम से जाना जाता है और जिसको ओएमजीसी द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, एक बहुत उत्तर भारत में एक छात्राओं के लिए एक बहुत अच्छा संस्थान है जिसमें फैशन डिजाइनिंग आदि के कोर्स हैं और 1994 में AICT द्वारा सारे मानकों के हिसाब से मान्यता दी गई थी और लगभग 27 साल से चल रहा है, परंतु गवर्निंग बॉडी में कुछ विवादित लोगों के कारण और कर्मचारियों का उत्पीड़न करने के कारण विवाद हुआ, जिसके फलस्वरूप गवर्निंग बॉडी द्वारा इस बार जो AICT ने जो कमियां बताई थी उसका पालन नहीं किया तो AICT ने रोक लगा दी उसके ऊपर।